ज्योतिष के रोचक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एस्ट्रो विद्यालय चैनल को और पास में बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोगों के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कुंडली में बिजनेस योगा है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है। मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या भविष्य में बिज़नेस परस्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। देखिए, अगर आपके कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस योगा बन रहा है तो आप जॉब सेक्टर में सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, और या फिर अगर आपके कुंडली में बिज़नेस योगा अच्छे नहीं हैं तो फिर आप अगर कोई भी बिज़नेस वेंचर परस्यू करेंगे वहाँ पे आप ज़्यादा सक्सेस नहीं पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बताऊँगी। पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में वो कौन से हाउसेस हैं जो बिज़नेस के लिए हम लोग पहले देखते हैं। देखिए, आपके कुंडली में 10th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस से करियर देखा जाता है। 10th हाउस जॉब बिजनेस ये पूरे जो मतलब सेक्टर है वो 10th हाउस के अंडर आता है। तो 10th हाउस अगर किसी का गड़बड़ है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर वो बिज़नेस को लेके परस्यू करना चाहते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड के पोजीशन को देखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हाउस है वो है 11th हाउस। 11th हाउस आपके इनकमिंग गेन्स को और या फिर जो भी आपका इनकम है उसको डिनोट करता है। आपके विशेष का ये हाउस है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरा होगा कि नहीं वो हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे पोजीशन में है तो भी ये बहुत अच्छी बात है बिज़नेस के लिए। उसके बाद जो हाउस इम्पॉर्टेंट है वो है 7th हाउस। 7th हाउस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस वेंचर, क्योंकि 7th हाउस पर्टिकुलरली बिजनेस का हाउस है। कोई भी बिजनेस डीलिंग, पार्टनरशिप, मैरिज का तो 7th हाउस है ही, वो भी एक लीगल डीलिंग ही है, पर 7th हाउस अगर किसी का गड़बड़ है तो बिजनेस का जो मेन पार्ट है वो वही गड़बड़ है चार्ट में। 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग 7th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस आप लोग कभी भी बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। उसके बाद का जो हाउस है वो है 3rd हाउस। 3rd हाउस क्यों? क्योंकि 3rd हाउस आपके करेज को डिनोट करता है, आपके साहस को डिनोट करता है। तो देखिए, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगी रहेगी तो आपको वो करेजियसली एक्सेप्ट करना होगा, इसीलिए 3rd हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3rd हाउस में अगर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट है या फिर मैलिफिक प्लैनेट की दृष्टि है तो फिर ये आप लोगों के लिए अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि ये करेज को वहाँ पे बढ़ा देगा। उसके बाद का जो हाउस है वो है लगन, जो 1st हाउस, जो आप खुद हो। लगन लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद बिजनेस सेटअप करोगे तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लगन लॉर्ड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगन लॉर्ड का एक अच्छे हाउस में होना, एक अच्छे साइन पे होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्लैनेट्स के बात की जाए तो पहले तो मून बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मून आपके माइंड को, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। आपके माइंड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके अगर मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपके पास, तो आप बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस में जैसे कि हम लोग जानते हैं, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, कभी अप तो कभी डाउन, ऐसी सिचुएशन लगी रहती है।
तो उससे डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर बहुत जल्दी हार मान जाते हो किसी भी सिचुएशन से, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप बिज़नेस में ना जाइए, क्योंकि आपके चार्ट में फिर मून का जो पोजिशन है वो ज़रूर वीक है और मून को शायद कोई मैलिफिक एस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो आप लोग इस अवस्था में बिज़नेस में ना ही जाइए। उसके बाद का जो प्लैनेट है वो है सन। सन आपके सोल एनर्जी को डिनोट करता है। सन का अथॉरिटी पावर स्टेटस से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग सन ये इंडिकेट करता है आप अगर कोई भी बिज़नेस करेंगे तो वो बहुत ऊंचाई तक जाएगी और वो आपको बहुत नेम और फेम दिला सकती है। उसके बाद का जो प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी बिज़नेस के लिए मेन प्लैनेट है। कोई भी बिज़नेस वेंचर अगर हम देखते हैं तो उसमें मरकरी का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मरकरी एक लॉजिकल प्लैनेट है, ये लॉजिक को दर्शाता है। बिज़नेस में इमोशन नहीं चलता, बिज़नेस में प्रैक्टिकलिटी चलती है, बिज़नेस में लॉजिक चलती है। अगर मरकरी कहीं पे भी वीक है तो बिज़नेस आप लोगों का उतना अच्छा नहीं चल सकता। एक बहुत अच्छी मरकरी ये दर्शाता है कि वो पर्सन बहुत अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन बन सकते हैं। तो उसके बाद जुपिटर आते हैं, क्योंकि जुपिटर कोई भी फिनेंसेस उसको दर्शाता है। अब जो योगा की बात की जाए तो टेंथ लॉर्ड अगर किसी भी तरीके से सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, या फिर सेवेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है और उसके साथ इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड का भी कोई कनेक्शन बन रहा है, तो ये अच्छी बिजनेस योगा को दर्शाता है आपके कुंडली में। मेरा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में जा रहा है और सपोज टेंथ हाउस का लॉर्ड मरकरी है, देन इट इज़ अ वेरी गुड योगा फॉर बिजनेस। अगर आपके थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस का कनेक्शन बन रहा है कुंडली में, तो भी ये एक अच्छी बिजनेस योगा को शो करता है। अगर आपके कुंडली में मरकरी सेवेंथ हाउस के साथ कोई भी कनेक्शन बना रहा है और वहाँ पे इलेवेंथ हाउस का भी कंजंक्शन हो रहा है, तो भी ये एक अच्छी बिजनेस योगा को शो करता है। अगर आपका जो लगन लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ कोई भी कंजंक्शन में हो और कंजंक्शन में जाके वो टेंथ हाउस में जाके बैठ रहे हैं या इलेवेंथ हाउस से कोई भी कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बिजनेस योगा है। मरकरी अगर डायरेक्ट इलेवेंथ हाउस के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन बना रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छी बिजनेस योगा को शो करता है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताया है जो आप अपने कुंडली खोल के लगन कुंडली ही देख सकते हैं और मैच करके देख सकते हैं। दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन बिजनेस योगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके चार्ट में भी ये योगा बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो आप बिज़नेस को लेकर परस्यू कर सकते हैं, पर उससे पहले कुंडली का डिटेल एनालिसिस ज़रूर करवा लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।